बिल्कुल। कल देश भर में होली का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। रंग खेलने और होलिका के दहन को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पंडित राधे श्याम श्रीमाली जी मौजूद हैं, जो श्री कल्कि पधारो धरती पर मानव श्रृंखला के तहत कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। हम राधे श्याम श्रीमाली जी से बात करेंगे, होली को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? देखिए, होली को लेकर के भगवान श्री कल्कि का 18 कुंडी यज्ञ हुआ और फिर चतुर्दशी माँ दुर्गा का यज्ञ हुआ। इसके बाद 56 भोग 18 देवों को लगाया गया और कल जो है वो आज संध्या में होली पूजन होगा और कल फिर होली का रंग होगा। तो हम पूरे जनमानस से ये संदेश देना चाहेंगे कि होली का पर्व जो है वो मानव ही नहीं, देवता भी मनाते हैं होली। तो ऐसी स्थिति में इस पर्व को बिल्कुल भी गंदा ना किया जाए, इसे भारतीय मूल सनातन संस्कृति के संस्कारों के साथ ही मनाया जाए। इसमें नशा, किसी पर बलपूर्वक रंग डालना, किसी रोगी पर रंग डालना, किसी मतलब जिनको रंग से इतराज है उन लोगों पर रंग डालना वर्जित रखें, ऐसा कदापि बिल्कुल भूल के भी ना करें। जो शहर से होली खेलने को तैयार हों उन्हीं के साथ ही होली खेलें। रोगियों का और रंग से इतराज करने वालों का विशेष ध्यान रखा जाए। यदि कोई व्यक्ति कहीं किसी कारणवश आवश्यक कार्य से जा रहा है तो उसे घेर करके रंग ना डालें। इस प्रकार से ये प्रेम उत्साह और हर्ष का पर्व है, इसे प्रेम उत्साह और हर्ष के साथ ही मनाएं, तभी इसकी वास्तविक स्थिति समझ में आएगी। क्योंकि ये बहुत सारे दिव्य आधारों पर भी निर्भर है। इस दिन से हमारे देह से अग्नि तत्व बाहर निकल जाता है और जल तत्व का आगमन हो जाता है, प्रकृति परिवर्तन होता है, जिसमें रंगों का बहुत बड़ा महत्व है। उस महत्व को समझते हुए ही होली के पर्व को मनाएं। होली आज से पैदा उत्पन्न हुआ पर्व नहीं है। होली प्रहलाद और हिरणा का सबसे उत्पन्न हुआ पर्व भी नहीं है। होली आदिकाल से चला आ रहा पर्व है। बहुत सारी कथाएं होली से जुड़ी हैं, किंतु आदिकाल में ये पर्व इसलिए मनाया जाता था कि एक तो प्रकृति परिवर्तन होती थी और दूसरे इन दिनों में नई फसल आ जाती थी, तो सारे लोग मिल करके नई फसल को देख करके प्रसन्नता में इस पर्व को मनाते थे। यानी कि आपने देखा कि क्या होली का महत्व है और क्यों होली का त्यौहार मनाया जाता है, ये भी संदेश देने की कोशिश की गई। और साथ ही साथ जो सनातन धर्म, जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, उसके तहत होली का त्यौहार भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ और प्रेम भावना के साथ मनाए जाने के लिए पंडित राधे श्याम श्रीमारी ने श्री कल्कि पधारो धरती पर मानव श्रृंखला के तहत श्री गोरखनाथ पीठ की ओर से ये संदेश देने का लोगों से आह्वान किया है, ये संदेश देने की कोशिश की है। कैमरामैन सराज अहमद के साथ चेहरा बनकाब के लिए फर्जंदबार से संबंध।